हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आपके 42 खत पढ़े हैं और एक वो भी जो आपने खून से लिखा था। क्या आप बचपन से झूठ बोलते हैं? लेकिन लिखते इस तरह हैं कि जो भी पढ़े आंख बंद करके यकीन कर ले। बुरे वक्त से बच्चा परिपैकर, मोहल्ले में खून खराबा होने वाला है। आपकी शर्म मारती है चाचा जी, वरना इसका खून कर देना था मैंने। 100 साल की बात ना कर, गुंडों की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती और 30 का वो हो चुका है। क्या बातें कर रही हो तुम? सड़कें तो टूटती बनती रहती हैं, लड़कियां भी टूटती बनती रहती हैं। तोड़ने वाला इस भरोसे पर मत जिए कि जिसे तोड़ कर गया था वो फिर से बना नहीं होगा। लड़की की नफरत का इलाज तो होता है मेरे बादशाह, लड़की के बाप की नफरत का इलाज नहीं होता। ना हकीम लुकमान के पास, ना मियाँ जी वारिस अली के पास। अदब तमीज इतनी है कि मियाँ जी वारिस अली कहें घोड़ा बन तो घोड़ा बन जाता है। वो मुझसे मोहब्बत करती है, ये तो उसने कहा ही नहीं। उसने तो मेरे खत का जवाब तक ही नहीं दिया। अरे बाकी चिड़ियों को दाना डालता है फिर कहता है भोर, और मतलब उड़ जा, फिर वो उड़ जाती हैं बेचारी। फिर क्या, मियाँ जी ने कोफ्ता मुंह में डालते ही कहा वाह भाई वाह। कोफ्तों के बारे में नहीं पूछा। अच्छा ये बताओ, पानी पेकर के बारे में बात की? बात की तो क्या कहा उन्होंने? कोफ्ता मुंह से निकाल कर प्लेट में रख दिया, बोले मिर्चें ज्यादा है। क्या बकवास कर रही हो? अब आप सो जाए क्योंकि अब तक डांट खा के वो भी सो गया होगा। मैं आपको गारंटी देकर कहती हूं अब वो नहीं बोलेगा। बाद अब होशियार, निगाहें नीची।
गुड मॉर्निंग मियाँ जी। गुड मॉर्निंग। पढ़ाई शुरू कर दी है मियाँ जी? कब से? जब से आपने कहा मुबारक हो। फिटे मुंह दे रहे, सारी रात जाग के गुजार दी? नहीं मियाँ जी, सारी रात पढ़ के गुजारी है। ओ, मिली है तुझसे? नहीं। कोई खबर तला? कोई नहीं। तो फिर तुझे कैसे पता चला कि वो भी तुझसे मोहब्बत करती है? वो साजन है ना, उसने बताया, अंदाजा लगाया उसने। कहता है जब उसने तेरे हाथ से खत वसूल कर लिया तो समझो तूने उसका जवाब वसूल कर लिया। एक बार फिर फिटे मुंह दे दे। और वो माई रखी की हज वाली फाइल? क्यों आए हो यहाँ? उस दिन दो घंटे वहां तुम्हारे घर में बैठा रहा, तुमने मुझसे बात तक नहीं की। क्या बात करूं तुमसे? मेरा झुका हुआ सर देखकर तुम्हें अंदाजा नहीं होता कितनी तकलीफ में हूं मैं। माफी नहीं मिली तो लगता है मर जाऊंगा मैं। लिखकर दूं तुम्हें? क्या लिखकर? यही कि माफ कर दिया है तुम्हें, सारी बातें भूल गई हूं मैं, हर दुख सह लिया है मैंने, अब कोई गिला बाकी नहीं है तुमसे। इतना सब कुछ लिखने के बजाय सिर्फ ये कह दो शादी करोगी मुझसे। मैं समझूंगा मुझे माफी मिल गई। शादी अब नहीं करूंगी, ये फैसला कर चुकी हूं। हाँ तो ये कौन है? माफ नहीं करोगी, ये फैसला कर चुकी हूँ। साहब ने कहा मुझे सब पहले ख्याल पड़ना। ओके। चलो। जी। चाय मिलेगी? जी सर। देखो आतिफ, ये मेरा दफ्तर है, यहाँ मुझसे मिलने कोई नहीं आता, मैं यहाँ काम करती हूँ बस। एक महीने बाद मुझे वापस जाना है, वक्त कम है मेरे पास। वक्त मेरे पास भी कम है, फाइल पढ़ के मीटिंग में बैठना है मुझे। 10 दिन के अंदर शादी करनी होगी। तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन बड़े झमेले हैं जुबैदा। मेरे सामने बस एक ही झमेला है,
तुम जो मेरे सामने बैठकर मेरे दफ्तर में मुझसे बिला वजह की तकरार कर रहे हो। तुम हाँ कह दो, मैं चाय पिए बगैर चला जाता हूँ। मैं फाइल मेकिंग नहीं पढ़ लूंगी, तुम चाय पी दो तो प्लीज यहां से चले जाना। और तुम सुनो, जैसे आप चाय पी लें तो इन्हें दरवाजे तक छोड़ आना, और जाते हुए ये भी बता देना कि इन्हें दोबारा दफ्तर में कोई घुसने नहीं देगा। साहब जी, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, कभी चाय ना पीता। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर आए तो क्या फिर पैकर उन्हें भी रोकेगा? हम परी पैकर से इतना डरते क्यों? हाँ नहीं, डरता नहीं हूँ। वो मेरे पापा कहते हैं कि हुंडों के मुंह नहीं लगते। मगर तुम्हारे मम्मी पापा मेरे घर क्यों आएंगे? You know, I told them, I'm in love. तो कुछ नहीं कहा उन्होंने तुम्हें? कहा? क्या? मम्मा तो फट से बोली, मैं तो तुम्हारे से आज ही मिलूंगी। मुझसे क्यों? You know, it's all formality. उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए मुझ पे। क्या ट्रस्ट करें वो तुम पे? You know, my choice is my choice. Must be good. Please, पहले तुम लड़की के बारे में बताओ, किससे हुई है तुम्हें मोहब्बत? I know, you are kidding. No, I'm not. तुम यार? Oh, of course तुम. Oh. Oh, क्यों कहा तुमने? इसलिए कि ज़ुबैदा ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी वो? कह रही थी जब तुम नोट्स लेने घर आओ तो तुम्हें घर के अंदर ना आने दो, वरना तुम फिर आओगे। चिड़िया समझते हो मुझे? दाना डाल रहे हो? चिड़िया दाना, ये क्या बोल रही हो तुम? ज़ुबैदा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, चिड़िया समझकर दाना डाला था उसने, और जब वो दाना चुग गई तो बोला फुर। फुर मतलब उड़ जा। तो मुझे कहोगे उड़ जा? तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। ओ पागल, ओए मेरे हाथ आ जाओ तुम, हैं? फिर मैं ओ बात ओ किधर पकड़ लिया पकड़ लिया है। बड़ा सताया तूने मुझे। मियाँ जी थक गए? हाँ यार थक गया हूँ भाई। ओ खलो तेरी शैतान की, बुड्ढा तेरा प्यू, बुड्ढा तेरा दादा, बुड्ढा तेरा दाना। इधर चलो, बस करो शैतानो, बस करो बस। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम सलाम। ओ आपसे एक बात करनी थी, अगर सुनकर आप हक सच की बात करें। पुत्री हुमा जी, मियां जी।
इधर ओए, इन बच्चों को ले जाओ उधर, कीड़ी काड़ा भा दे, ये खेले। चलो कर। यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। ये इंसाफ नहीं है मैच। तो बैठकर मुझे समझा के इंसाफ क्या है। उसकी पढ़ाई बंद हो गई, घर में बैठ गई, बाहर नहीं निकल सकती वो। कसूर किसका है? उस कमीने का। कसूर तेरा अपना है, तेरे अंदर के चोर का। भरोसा नहीं है तुझे अपनी बेटी पर। अगर वो कमीना है तो शहर में 100 कमीने और भी हैं जो हर दूसरी लड़की को ताड़ते। उससे इसलिए डरते हो कि उसने रिश्ता मांग लिया है। बेटी वाले हो, बेटी वालों से रिश्ता मांगा जाता है। हाँ, तुझे हक है, तू इनकार कर दे। मेरे इनकार के बाद ही तो वो आपके पास आए, आपकी पनाह में। हाँ, उसका ख्याल है कि एक दिन तू मान जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं नहीं मानूंगा। बस कुरान की बात न कर, उस पर हाथ रखने जोगा कोई नहीं। क्या पता कल क्या हो जाए, रहम आ जाए तुझे उस कमीने पर, या मां रुक के दो आंसू देकर तड़प जाए तू। मां रुक के आंसू, वो रोएगी उसके लिए, वो तो उसे ज्योति की नोक पे लिखती। तो फिर डरता क्यों है? उसे बोल कॉलेज जाए, पढ़ाई करे, खामखा दादू टैक्सी वाले पर खर्चा किया, बदनामी मोल ली। देख फरमान, लड़की के दिल में अगर बात कोई नहीं तो बाप को डरने की जरूरत कोई नहीं। दो चार दिन रहेगा, अपनी इज्जत औकात देखेगा, शर्मिंदा होकर चला जाएगा। यही तो बात है मियाँ जी, वो यहां रहेगा ही क्यों? दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली से आया है। कौन लगता है आपका? क्यों पुष्ट बनाई कर रहे हैं आप उसकी? बात को समझ मेरा पुत्री, ये मोहब्बत करने वाले बड़े मजबूत लोग होते हैं। अकल से काम लेने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। कितना टाइम लगता है? जितना टाइम नींदर से जागने में लगता है। चलो, आपके कहने पे दिया टाइम, पर उसके लिए यही अच्छा है मियाँ जी कि जल्दी जाग जाए। लंबी नींदर में कभी ना उठने का डर होता है। तू जब धमकी देता है तो बुरा लगता है मुझे। मैंने धमकी नहीं दी मियाँ जी, दलील दी। दलील के तौर पर एक बात मेरे दिल में भी है।
जरा अपने आप को चेक कर, कहीं तू नींदर में तो नहीं है? नींदर में है तो मेहरबानी करके जाग जा, तेरा जागना उस कमीने के जागने से ज्यादा जरूरी है। नींदर में है तो मेहरबानी करके जाग जा, तेरा जागना उस कमीने के जागने से ज्यादा जरूरी है। My father name is Farman Sheikh. My father name is Farman Sheikh. He is a businessman. He is a businessman. He runs a general store in the town. He runs a general store in the town. He is very honest. He is very honest. He is very loving and caring. पढ़ो ना। अब्बा जी आ गए। चल पढ़। नहीं, अब मैं बेस्ट टीचर पढ़ेंगे। तेरे कहने पे मैंने मियाँ जी से बात की, अब तुझे बताऊं कि मियाँ जी ने क्या जवाब दिया मुझे। सात दिन है तेरे पास, सात दिनों में मोहब्बत बड़े करिश्मे कर देती है। ना करे तो 63 सालों में कुछ नहीं करती। किसी तरह मिल उसे, उसे कह दिल की बात बताए अपनी मां को, मां फिर बता देगी उसके बाप को। ये जरूरी है अजरमद अली, सात दिनों में भी कुछ नहीं कर सकता तो फिर उसकी बदनामी ना कहे। समान बन और अपने घर जा। मिलूंगा कैसे? तरीका तू सोच। घर से बाहर निकलती नहीं हूं, कॉलेज जाने पर अलग पाबंदी। बात कैसे करूंगा मियाँ जी? मोहब्बत को किसी मियाँ जी के आसरे पे डाल के बैठा ना रहे, उसके लिए उठ मेरा बच्चा, जतन कर। ये तो उसने भी कहा था। किसने? साजन ने।